मेरा नाम है आशीष। सो गाइस, मैं हमेशा से इस चीज को लेकर कंफ्यूज रहता था कि ये जो सोनी का टीवी है और व्यू का टीवी है, इसका क्वालिटी में क्या डिफरेंस है। क्योंकि मेरे पास पहले ये सोनी का ब्राविया 32 इंच का टीवी था, और उसके बाद में मुझे लेना था 50 इंच का, और व्यू मेरे बजट में आ रहा था, मुझे ठीक लग रहा था। तो ये मैंने 50 इंच का व्यू अल्ट्रा 4K टीवी लिया है। तो अभी मैं इसे कंपेयर कर रहा हूँ बेसिकली बाकी लोगों के लिए, कि जो कंफ्यूजन मुझे हुआ, अगर और किसी को है तो उसका क्लियर हो जाए। ये जो है हमारा 32 इंच का टीवी, ये फुल HD भी नहीं है, ये सिर्फ HD टीवी है, ठीक है। और ये जो है टीवी, ये 4K टीवी है। इसपे अभी जो राइट नाउ वीडियो चल रही है वो है फुल HD। इसमें मैंने क्रोमकास्ट लगाया हुआ है नीचे वाले में, ये नॉर्मल टीवी है। इसमें मैंने जो है कुछ नहीं लगाया हुआ है, ये नॉर्मल आपका एंड्रॉइड टीवी है, तो वाईफाई से ये चल रहा है इसके, ठीक है। अभी एक चीज ये है कि फुल HD वीडियो उसके लिए तो ठीक है, लेकिन फुल HD वीडियो इतनी बड़ी स्क्रीन के लिए थोड़ा सा कम रिजोल्यूशन होगा, तो इसको ये अपस्केल कर रहा है बेसिकली। तो अब इसके बाद में मैं आपको दिखा रहा हूँ उसके कलर्स क्या है। ब्राइटनेस ऊपर वाले टीवी की ज्यादा है, वीओ की, वीओ अल्ट्रा 4K। और हमारा जो कलर्स है वो सोनी में थोड़े से अच्छे आ रहे थे, ऊपर वाले में मैंने डायनामिक मोड सेलेक्ट किया हुआ है, स्टैंडर्ड में कलर्स थोड़े से फेड हो जाते हैं। ये पिक्चर मोड है, ये डायनामिक मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड सेलेक्ट करता हूँ तो कलर्स थोड़े से फेड हो जाते हैं। अभी क्या है, हमें कम रेड दिखेगा, नीचे वाले सोनी में थोड़ा ज्यादा रेड ज्यादा ग्रीन दिखेगा, कलर्स जो है ज्यादा बूस्टेड से है। इसमें वापस डायनामिक कर देता हूँ। ये डायनेमिक किया मैंने, आप डिफरेंस देख लो पास से। स्टैंडर्ड में स्किन टोन्स आप देखिए चेंज हो जाएंगे, ये देखो। इसको हम कर देते हैं डायनेमिक, स्किन टोन्स कलर्स हर एक चीज थोड़ी सी बूस्टेड हो जाती है। तो ये मैंने सोनी से मैच करने के लिए डायनेमिक किया हुआ है, क्योंकि सोनी में बाय डिफॉल्ट ऐसी सेटिंग्स है, कलर थोड़े बूस्टेड है। डिटेल्स काफी है, डिटेल्स है, शार्पनेस है, कोई कमी नहीं है। ये जो टीवी हमारा 720p सोनी का, 6 साल पुराना, 2014 का। हैरानी की बात यह है कि सोनी 6 साल पुराना, क्वालिटी लगभग पूरी मैच हो रखी है उससे, लेकिन राइट साइड में कबर्ड में आप देखेंगे, कबर्ड के साइड में तो इसमें ज्यादा ये ब्राइट है थोड़ा, हर डिटेल दिखा रहा है ऊपर वाला व्यू। This is just 2K, not even 4K. और ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा क्लियर है। ये सोनी का टीवी है 32 इंच का, काफी क्लियर है, लेकिन 4K की अपना अलग ही बात है।
इसमें स्किन टोन्स का थोड़ा सा डिफरेंस है, ऊपर वाला बूस्टेड नहीं है कलर्स, नीचे वाले में सोनी में थोड़े बूस्टेड है। मैं इसको मैच करने के लिए डायनेमिक सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। अगर अब हम देखेंगे तो स्किन टोन्स एकदम मैच हो चुकी हैं। ये ऊपर वाला वीयू का है 4K अल्ट्रा टीवी 50 इंच 4K, नीचे वाला है आपका सोनी का 32 इंच, फुल HD भी नहीं है ये, सिर्फ HD टीवी है 720p, 2014 का 6 साल पुराना है। ऊपर वाला हमारा जो टीवी है ये वीयू का 4K टीवी है 50 इंच, नीचे वाला जो टीवी है सोनी का टीवी है, सोनी ब्राविया 32 इंच। सोनी का जो टीवी है नीचे वाला ये 6 साल पुराना है, नॉट इवन HD, जस्ट HD। ऊपर वाला जो टीवी है ये फुल 4K टीवी है, और जो वीडियो चला रखी है मैंने ये 2K वीडियो है, 4K में नहीं चला पा रहा, मेरा इंटरनेट सपोर्ट नहीं कर रहा दोनों टीवी पे। 30 MBPS का कनेक्शन है बस मेरा, दैट्स द रीजन।
यहाँ पे सोनी थोड़ा बेटर कर रहा है, लेकिन मैंने इसकी ब्राइटनेस कम की हुई है, ये भी चीज़ है।